पाली जिले में बढ़ती हुई चोरियों पर अंकुश लगाने हेतु पाली पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट निकटतम मॉनिटरिंग कर अपडेट लेकर अधिकारियों को मार्गदर्शन दे रहे हैं। थाना अधिकारी रानी पन्नाराम ने बताया कि रानी में 2 फरवरी व 3 फरवरी की मध्य रात्रि में रानी खिमेल रोड पर खिमावत ट्रस्ट भवन में अज्ञात चोरों ने ट्रस्ट कार्यालय का ताला खोलकर अंदर रखी तिजोरी तोड़कर अंदर तिजोरी में रखे नकदी व मालकिन की हीरे की एक चूड़ी व एक हीरे की अंगूठी 13,75,000 रुपये चांदी के 20 सिक्के 1 ग्राम सोने का सिक्का ट्रस्ट के भंडारे से निकले 40,400 रुपये मंदिर प्रतीकात्मक चांदी के चिन्ह अन्य 3,240 रुपये के सिक्के सहित कुछ डॉक्यूमेंट चोरी हो गए। प्रार्थी हरीश कुमार पुत्र भरत कुमार निवासी रानी जो खिमावट ट्रस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट का अकाउंटेंट है उन्होंने थाना में रिपोर्ट प्रस्तुत की है। थाना अधिकारी ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चैन सिंह महेच्छा व वृत्ताधिकारी बाली राजेश यादव के निर्देशन में अलग अलग टीमों का गठन किया जिसमें SHO नाना रतन सिंह व SHO रानी पन्नाराम संदिग्धों की तलाश में जुटे हुए हैं। उन्होंने बताया कि MOB की टीम व त्वरित अनुसंधान दल मौके पर पहुंचे एवं DST को मौके पर बुलाया जो अनुसंधान दलों के साथ हैं। CCTV फुटेज एवं तकनीकी साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है। अतिशीघ्र ही चोरों को दस्तयाब कर लिया जाएगा।